एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग, बच्चे हो रहे हैं स्कूल के लिए तैयार और काफ़ी दिन बाद आज स्कूल खुला है। बहुत लंबे टाइम तक छुट्टियाँ थी तो स्कूल का मतलब घर में बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। आज स्कूल खुलने में मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि स्कूल खुल गया और बच्चे हो रहे हैं स्कूल के लिए रेडी। तो आइए चलते हैं। तभी तो कुटकुट के क्लास के बच्चों को पता चलेगा कुटकुट कितना ड्रामेबाजी करता है। सारी बुक्स फैला दी, सारे कपड़े फैला दिए। वाह, बड़े भाई की मदद से जूते पहने जा रहे हैं। ना तुम लोगों ने अपनी बुक जगह पे रखी, ना तुम लोगों ने अपनी फाइल जगह पे रखी। अच्छा फिर स्कूल जा रहा है ना, बाय कर दो, बाय कर दो सारी यूट्यूब फैमिली को। बैग कौन लेके जाएगा, बैग कौन लेके जाएगा, लो अपना बैग पकड़ो। बस गिर गया बैग में, उड़ाओ। फाइनली जी बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब जाके मैं नहा धो के पूरा घर साफ करके अब जाके काम करके मैं निपटी हूँ। और सुबह जो बच्चे पूरा फैला के चले जाते हैं अपना टेबल वगैरह सब, अब मेरा सारा काम निपटा है। और अब फटाफट से कर लेती हूँ मैं नाश्ता, फिर थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे। आया था मैंने बैंगल का स्टैंड मीशो से, तो इसमें लगाई हैं मैंने अपनी चूड़ियाँ। तो ये बैंगल सेट का जो स्टैंड है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें लगभग लगभग मेरी सारी तो नहीं आई, लेकिन हाँ ऐसे दो तीन स्टैंडों में चूड़ियाँ तो नहीं आई हैं, पर इस तरीके के दो तीन बैंगल स्टैंड में मेरी सारी चूड़ियाँ आ सकती है। वैसे इससे बड़ा सेट भी था लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा होगा, लेकिन इसमें फिर भी काफ़ी चूड़ियाँ आ रही हैं। तो अगर इधर उधर जो चूड़ियाँ मतलब पड़ी रहती हैं घर में, या हम लोग कई बार ऐसी उतार के रख देते हैं, तो ये बहुत इजी इसमें लगाना और निकालना है। तो इस वजह से मैंने ये स्टैंड मंगाया और इसमें बैंगल लगाने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। क्या टॉल बांधना सीख लिया? हाँ। अभी भी लूज है लेकिन खिसक गया तो सब देख लेंगे। अंदर से पहना है कुछ? अभी पहना है, पकड़ के रहा, कहीं गिर गया था। हाँ खुल गया। तो स्कूल के बाद आने के बाद नहाना वगैरह तो हो ही गया था, और उसके बाद अब थोड़ा शाम का टाइम है तो हो गया है उनका योगा स्टार्ट। देखो छोटा वाला डरा रहा है उसे और वो सिखा रहा है कि ऐसे कर। तो इनका थोड़ा सा टाइम ये योगा में स्पेंड हो जाता है और थोड़ा इनके साथ मैं भी कर लेती हूँ। और शाम के इस टाइम के बाद बस इसके बाद थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीने के बाद बैठेंगे पढ़ने के लिए और दिन इसी तरीके से बड़े आराम से निकल जाता है। तो चलिए जी, इसी तरीके से हो गई है शाम और दिन भी हो गया ख़त्म। बाहर मौसम बना हुआ है बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश वाला, देखते हैं रात को बारिश होती है कि नहीं होती है। वैसे तो पहाड़ी एरिया में सभी जगह बारिश हो रही है, सोनप्रयाग, मनसुना, केदारनाथ के रास्ते सभी लगभग लगभग अभी टूटे हुए हैं भूस्खलन की वजह से। लोगों को पहाड़ियों के रास्ते से नीचे आना पड़ रहा है और इसी तरीके से उत्तराखंड में आजकल लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है। तो देखते हैं बारिश होती है नहीं होती है। मिलेंगे आपसे कल के नए ब्लॉग के साथ और दिखाऊंगी आपको कुछ नई नई चीज़ें। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।